भाई अगर आप एक बिगिनर हैं तो आप गाड़ी को ड्राइव कैसे करेंगे, थोड़ा सा उसके बारे में बताऊंगा स्टार्टिंग से। मतलब क्लच कंट्रोल से लेके चलाएंगे कैसे उसके बारे में, ये जो ताम झाम लगा रखा है ये भी बता देता हूँ। तो अगर आप बिगिनर हो, साइड में आपकी गाड़ी खड़ी है, सुबह सुबह आप निकाल रहे हो तो अच्छी बात है। 5-6 बजे आप गाड़ी चलाओ सुबह, तो आपको इतना ट्रैफिक भी नहीं मिलेगा और आप क्लच कंट्रोल करना सबसे बेसिक है। तो क्लच कंट्रोल में आपको सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि भैया बाइटिंग पॉइंट पकड़ना गाड़ी का बहुत ज़रूरी है। बाइटिंग पॉइंट के लिए क्या करेंगे, क्लच मैं प्रेस कर दूंगा, ब्रेक पे पैर रखेंगे। अगर गाड़ी आगे पीछे जा रही है तो ब्रेक पे पैर ज़रूर रखें, अदरवाइज आप हटा सकते हैं पैर। अभी गाड़ी स्टेबल है तो मैंने ब्रेक से पैर हटा दिया, फर्स्ट गियर मैंने लगा दिया, पूरा क्लच दबाया है। ऐसा नहीं है आधा, पूरा क्लच दबाना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, पीछे पैर हल्का हल्का जाता रहेगा, हल्का हल्का छोड़ेंगे, ठीक है। स्टेयरिंग को दोनों हाथ से पकड़ लेंगे, सीधा कर लेंगे स्टेयरिंग। अब बहुत से लोगों को ये नहीं पता कि स्टेयरिंग सीधा है या कैसे है, तो स्टेयरिंग सीधा करने की भाई सिंपल ट्रिक होती है, मैं बता देता हूँ। स्टेयरिंग को अगर आपको सीधा करना है ना, तो देखो मुझे सपोज ऐसे मेरी गाड़ी खड़ी है इस टाइम, लेकिन इस टाइम मेरा स्टेयरिंग ना सीधा नहीं है, मुझे पता है कि राइट साइड में पूरा टिल्ट है। तो हम क्या करेंगे, किसी भी पोजीशन में स्टेयरिंग होगा, सपोज इस पोजीशन में स्टेयरिंग है, ठीक है। तो हमें करना क्या है, हमें सबसे पहले इसको सीधा करना है। सबसे पहले एक तरफ पूरा स्टेयरिंग को मोड़ लो, लेकिन ये करना है आपको गाड़ी स्टार्ट करके, कभी भी बिना गाड़ी स्टार्ट करे मत करना, वरना पावर स्टेयरिंग पे रैक पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो ये हो गया, पूरा मोड़ दिया। अब यहाँ से करना है आधा राउंड, ठीक है, इसके बाद करना है एक राउंड। तो स्टेयरिंग मेरा पूरा सीधा हो चुका है, मैं दिखा नहीं पाऊंगा अभी आपको, लेकिन वो सीधा हो चुका है, ठीक है जी। तो चलो अब जो लोग बिगिनर हैं वो गाड़ी कैसे चलाएंगे, वो क्लच पूरा दबाएंगे, ठीक है, फर्स्ट गियर एंगेज करेंगे, ठीक है जी। उसके बाद क्या करेंगे, क्लच को रिलीज करेंगे। अब रिलीज करना आपको, बहुत से लोग पता है कैसे रिलीज करते हैं, गलती ये करते हैं कि वो एक ही पॉइंट पे पैर रखेंगे और ऐसे क्लच रिलीज करेंगे। अब यहाँ पे देखो क्लच कहाँ आ गया, ये मेरे इस पे आ गया बीच में। अब मैं पूरा प्रेस नहीं कर पाऊंगा, मेरी फोर्स नहीं लगेगी। तो इसमें करना क्या है, पंजे से आप दबाएंगे पैर के, ठीक है, और रिलीज करेंगे जब एडी को पीछे ले जाते रहेंगे धीरे धीरे धीरे, ठीक है, ऐसे रिलीज करना। तो फर्स्ट गियर लगाया, धीरे धीरे रिलीज करो इसको, 20, 30, 40, गाड़ी देखो मूव कर रही है। अब यहाँ पे पकड़ के रखो, मतलब छोड़ना मत क्लच को, अगर आप छोड़ दोगे गाड़ी बंद हो जाएगी, क्योंकि आप एक बिगिनर ड्राइवर हो। अब यहाँ पे आपने क्लच कंट्रोलिंग की इस चीज़ की ना, आप पूरा छोड़ सकते हो, क्योंकि गाड़ी रोलिंग में आ गई है। 5 से 10 की स्पीड में आने के बाद आप गाड़ी आसानी से छोड़ सकते हो। अब यहाँ पे क्या करेंगे, क्लच दबा के ब्रेक ले लेंगे, फिर दोबारा इसी की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे गाड़ी मेरी उठ रही है, फिर यहाँ पे दबा के रखेंगे, यहाँ से स्टेयरिंग को लेफ्ट में काटेंगे पूरा, क्योंकि हमें लेफ्ट में जाना है, और यहाँ से सीधा करना शुरू कर देंगे स्टेयरिंग को, ठीक है। ब्रेक कर रहे हैं आराम से, फर्स्ट गियर में तो निकल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हमें टर्निंग करनी है, तो क्या करेंगे, हल्का सा लेफ्ट दबाएंगे, ठीक है। अब यहाँ जब मेरा आधा पोर्शन गाड़ी का निकल जाए, जहाँ मैं बैठा हूँ वहाँ से आप गाड़ी को, अब यहाँ पे गाड़ी अटक गई क्योंकि स्लोप पे है, हल्का सा एक्सीलेटर भी लेंगे, 50% क्लच रिलीज करेंगे और एक्सीलेटर लेंगे, ठीक है। ले लिया, अब दोनों चीज़ से पैर हटा देंगे, गाड़ी अपने आप चलेगी, आपकी कोई भी दिक्कत नहीं आई, ठीक है। तो ऐसे आप गाड़ी चलाएंगे, हॉर्न देंगे, इंडिकेटर देंगे, ताकि सामने वाले को पता लग जाए। अब यहाँ पे क्लच दबा के ब्रेक ले लेंगे और हॉर्न देंगे लंबा, ठीक है। अब आधी गाड़ी निकल गई, आप पूरी मोड़ दो। अब यहाँ पे स्लोप लोप नहीं है, तो सिर्फ क्लच से गाड़ी को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब ये थोड़ा सा खुला रोड आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे हल्का सा एक्सेलरेटर दो, पूरा क्लच दबाओ, सेकेंड गियर डालो आराम से, और धीरे धीरे क्लच रिलीज करो। धीरे धीरे मैं इसलिए बोल रहा हूँ, हालांकि आप तेज भी कर सकते हो, लेकिन उससे प्रॉब्लम ये होगी कि गाड़ी आपकी झटका मारेगी। अब झटका मारेगी तो डैट मीन्स कि प्रॉब्लम हर किसी को। तो और देखो समय समय पे ना ब्रेक पे पैर रखते रहो,
पैर रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इमरजेंसी सिचुएशन में आप ब्रेक सीधा मार सकते हो, इसलिए बेटर है आप देखो यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ पे क्लच दबा के ब्रेक ले लो पहले, तो आप न्यू ड्राइवर हो यहीं पर रोक लो, हालांकि मैं आगे भी जा सकता, अब यहाँ पर दोबारा से फर्स्ट गियर डाल दो, हल्का सा क्लच रिलीज करो 40% तक और गाड़ी को मूव कराओ आगे, मूव कर रही है, स्टेयरिंग को दोनों हाथ से कंट्रोल करो, कौन सी पोजीशन पे कंट्रोल करोगे, जो पोजीशन आपको अच्छी लगती है, आपको 3.9 की पोजीशन अच्छी लगती है, आपको 10.2 की अच्छी लगती है, आप पकड़ सकते हो स्टेयरिंग, कोई भी दिक्कत नहीं है, बस आपको कंफर्टेबल होना चाहिए कि हाँ मैं इस चीज़ में कॉन्फिडेंट हूँ, मैं ऐसे गाड़ी चला सकता हूँ, मैं मूवमेंट कर सकता हूँ, ठीक है। फर्स्ट गियर में गाड़ी चल रही है, आपको स्पीड बढ़ानी है, हल्का सा एक्सीलेटर दो, ठीक है, सेकंड गियर एंगेज करो, धीरे धीरे क्लच रिलीज करो, स्टेयरिंग पे कमांड बना के रखो, यहाँ से हल्का सा लेफ्ट स्टेयरिंग घुमाओ, गाड़ी मुड़ जाएगी। और एक चीज़ और ध्यान रखना, स्टेयरिंग मूवमेंट क्या होती है, स्टेयरिंग मूवमेंट में क्या होता है कि आप ना जितने, अब जैसे मैं धीरे चल रहा हूँ तो स्टेयरिंग यहाँ पे क्लच दबा के ब्रेक ले लो, क्योंकि आप न्यू ड्राइवर हो, आपको नहीं जजमेंट हो रहा, यहाँ से राइट में इंडिकेटर दे दो और यहाँ पे गाड़ी को फर्स्ट गियर में ही रोक लो, ठीक है, हल्का सा और पुश करो, हल्का सा एक्सीलेटर दो, क्योंकि यहाँ पे स्लोप है, अब यहाँ पे पूरा गाड़ी को मोड़ देंगे और पीछे। और दूसरी चीज़ मैं बता दूँ, अगर आप एक न्यू ड्राइवर हो तो भाई ORVM में ज़रूर देखते रहना, सेकंड गियर पे गाड़ी मैंने इंगेज कर रखी है, ठीक है, ORVM दोनों बहुत ज़रूरी हैं आपको देखना, IRVM भी बहुत ज़रूरी है देखना, IRVM में भी देखते रहो, पीछे कोई आ रहा नहीं है, मतलब निगाह मारते रहो, इट्स नॉट कि आपको लगातार देखना है, नहीं, आपको सिर्फ निगाह मारते रहना है। अब यहाँ पे आप दोनों स्टेयरिंग से ऐसे रोड पे आ जाओ, सुबह सुबह देखो कितना फ्री है, कोई भी दिक्कत नहीं है, ऐसे रोड पे आप चला सकते हो, अगर आप बिगिनर ड्राइवर हो तो भाई क्लच कंट्रोल ऐसे करोगे। और साइड जजमेंट की मैं बता देता हूँ, गाड़ी का बोनट जजमेंट, या बोले यहाँ पे फर्स्ट गियर में गाड़ी को ले आओ, या गाड़ी का कोई भी जजमेंट आपको करना है, लेफ्ट राइट का जजमेंट, वो भी मैं बता देता हूँ। लेफ्ट राइट का जजमेंट कैसे करोगे, ये जो ताम झाम टेप मार्किंग मैंने करी हुई है, अब ये किसी को सीखना है कि भाई कंट्रोलिंग आप कर लेते हो, क्लच कंट्रोल गाड़ी चला लेते हो, लेकिन आपको जजमेंट कम हो पाता है, ठीक है, तो ये राइट साइड का जजमेंट के लिए टेप मार्क करिए, ये मिडल पॉइंट है, दूर का कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है उसका रेफरेंस, और ये बिल्कुल नज़दीक के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस आप येलो टेप से लेंगे। और मैं बता दूं, ये येलो टेप आपको काम आती है जब आप भीड़ में गाड़ी चलाओगे, ठीक है, या फिर जाम में चलाओगे, या फिर पतली गलियों में चलाओगे जहाँ पे एज टू एज इतना इतने गैप में गाड़ी को निकालना होता है, वहाँ ये आपके येलो टेप काम आएगी, ठीक है, तो येलो टेप बहुत ज़रूरी है समझना। और अब पीछे से हॉर्न बज रहा है, मुझे पता है गाड़ी पीछे मेरे को फॉलो कर रही है, लेकिन आप आराम से चलते रहो, धीरे धीरे गाड़ी को चलाते रहो, साइड में कर लो अपनी गाड़ी को, कोई बात नहीं, जो गाड़ी निकल रही है निकलने दो, कोई इशू नहीं है आपको, कोई देखो गाड़ी चलाना पेशेंस का काम है, मैं बार बार कहता हूँ हर वीडियो में, सेकंड गियर पे देखो हल्का हल्का एक्सीलेटर ले रहा हूँ, गाड़ी को चला रहा हूँ, अगर आपने, मैं कह रहा हूँ 15-20 मिनट ऐसे गाड़ी चलानी ना, अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो भाई, आप गाड़ी चलाना सीख जाओगे, कॉन्फिडेंस लेवल आपका देखना आ जाएगा, ठीक है। कॉन्फिडेंस इंसान का ख़राब कब होता है, फर्स्ट गियर में गाड़ी को मैं उठा रहा हूँ हल्का सा, धीरे धीरे क्लच रिलीज करके, कॉन्फिडेंस कब ख़राब होता है भाई, कॉन्फिडेंस कब ख़राब होता है, जब आप कोई चीज़ को ख़राब कर देते हो, यानी कि आप गाड़ी चला रहे हो और गाड़ी आपकी लग जाए, स्क्रैच लग जाए, साइड लग जाए, या फिर आप किसी से टकरा जाओ, राइट, तो उससे आपका एक्सपीरियंस ख़राब होगा। दूसरी चीज़, अब ये जजमेंट कैसे लेंगे, ये जजमेंट एक्यूरेट कैसे होता है, ये जो मैंने टेप लगाई है, बहुत से लोग ट्रस्ट नहीं करेंगे, ट्रस्ट मत करो, लेकिन मेरे पास प्रूफ है बकायदा, मैंने कैमरा लगा के भी वीडियो बनाई हुई है, देख लेना, मैं आपको एंड स्क्रीन पर डाल दूंगा। अब देखो ये जो सिचुएशन है ना, यहाँ पे काम नहीं करेगा, ये दूर के ऑब्जेक्ट का, जैसे वो पेड़ है, अगर वहाँ का ऑब्जेक्ट का आपको रेफरेंस लेना आपको ले सकते हो, लेकिन इतनी पास गाड़ी खड़ी है तो आपको स्टेयरिंग राइट में मोड़ना पड़ेगा, येलो टेप को निकालना पड़ेगा, गाड़ी आपकी निकल जाएगी। तो भाई ये था आज की वीडियो में, मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, ये थोड़ा सा एक ड्राइविंग ट्रेनिंग थी एज अ बिगिनर लेवल,
एज अ बिगिनर लेवल आप इस तरीके से गाड़ी को शुरुआत में चलाओगे तो आपके लिए अच्छा होगा। फुल ड्राइविंग ट्रेनिंग है, ठीक है। बेसिक फंक्शंस मैंने नहीं बताए गाड़ी के, वो भी मैं बता सकता था लेकिन वीडियो अननेसेसरी लंबी हो जाती है। 90% लोगों को फीचर्स पता ही होते हैं। तो भाई वीडियो कैसी लगी बताना ज़रूर, और जो पुराने हैं भाई लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को, और जो नए हैं सब्सक्राइब कर लेना, ऐसी वीडियोस लाता रहता हूँ जो कि आपकी ड्राइविंग को इम्प्रूव करती हैं। ठीक है जी, सो स्टे सेफ, बाय बाय।